साथ जहां आम आदमी पार्टी के विधायक अमरतुल्ला खान को बड़ी राहत मिली है। दरअसल अदालत ने रिहा करने का आदेश दे दिया है। राहुल द्रविड़ कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। बगवोट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था यह मामला, जिसमें अमरतुल्ला खान को बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी के विधायक है अमरतुल्ला खान, जिनको बड़ी राहत राव जुवेन्यू कोर्ट की तरफ से दी गई है। अदालत ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। राव जुवेन्यू कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं और बता दें कि बगवोट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था, जिस पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी। अब चार्जशीट जो दाखिल की गई उस पर संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया, जिसके बाद अमानतुल्ला खान को बड़ी राहत मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रणय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रणय, आप विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ी राहत मिली है, ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया है, और अब अमानतुल्ला खान को बड़ी राहत देते हुए अदालत ने रिहा करने के आदेश भी दे दिए हैं। बिल्कुल, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मामला ये लगातार चल रहा था और उसी के तहत ईडी ने जो गिरफ्तारी थी वो आम आदमी के विधायक अमानतुल्ला की थी, लेकिन आज जब ईडी के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई तो उसे लेकर कोर्ट ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आया और आखिरकार कोर्ट ने अमानतुल्ला को रिहा कर दिया है। और इस मामले में ईडी को एक निश्चित तौर पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी की तरफ से कोर्ट में जो याचिका थी वो दाखिल की जा रही थी और लगातार जो आरोप था ईडी के अमानतुल्ला को लेकर वो काफी ज्यादा गंभीर था, लेकिन आखिरकार प्रगति ईडी के लगे आरोपों की बात करें उससे अमानतुल्ला को रिहा कर दिया गया है और एक बड़ी राहत अमानतुल्ला को मिली है और आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि उनके में मौजूद था वो अमानतुल्ला था और अमानतुल्ला को अब कोर्ट के द्वारा राउजर ने आज रिहा कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।